जो लोगों के दिल में रहते हैं, और एक वो गांधी है जो लोगों की जेब में रहते हैं। ये हंसी मत, मैं भी जानता हूँ कि मेरा भी दूसरा वाले गांधी से ज्यादा इत्तेफाक है, लेकिन जो पहले वाले गांधी है, जो असल गांधी है, जो मूल गांधी है, जो इस देश की फिजा में है, उस गांधी से आपको रूबरू कराने के लिए, वो बापू से, वो फादर ऑफ द नेशन से आपको रूबरू कराने के लिए मैं अपने बापू को, अपने फादर को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आदाब, नमस्कार। जब नौजवान इतना अच्छा बोलने लगे और अपने से ज्यादा जानने लगे तो बोलने को कुछ नहीं बचता है। तो भी आज जिस महामानव का, इस शख्सियत का दिन है, वो इतनी अद्भुत है कि उस पर पूरा हाल भी बोलता रहे और बात करता रहे तो भी कुछ भी बात नहीं कर पाई। पुराणों में भक्त प्रहलाद और इतिहास में सुकरात, ईसा मसीह और मीरा, जिन्होंने सत्याग्रह खुद पर उतारा है, लेकिन महात्मा गांधी वो इंसान है जिसने सत्याग्रह को जमीन पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से उतारा है। दुनिया के कमजोर से कमजोर आदमी को, जो बोल नहीं सकता, हजारों बरस की गुलामी ने रीढ़ की हड्डी में बल पटक दिए थे, सीधा खड़ा नहीं हो सकता, डर और भय और अंधविश्वास जिसमें बैठे हुए हैं, सत्याग्रह के माध्यम से उसको जीने का रास्ता दिखाया। अभी रोहन जी बोल रहे थे कि गांधी 1915 में भारत आए, 1869 का जन्म है, शायद 45-46 साल के थे, तब तक उन्होंने सूट टाई पहना है। भारत में आकर उन्होंने धोती कुर्ता काठियावाड़ी पगड़ी पहन ली थी, और सबसे पहले वो बिहार पहुंचते जहां अंग्रेजों ने नील की खेती पर टैक्स लगाया था, टैक्स भी 30-40% तक था, किसान जी नहीं पा रहा था। गांधी वहां लगातार सतत 2 महीने तक आंदोलन करते हैं, सुबह सुबह सबके घर जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं। गांधी अपनी आंखों से उस देश की गरीबी को, देश की असलियत को सब देखते और समझते हैं, उससे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। गांधी जब बिहार से चेन्नई पहुंचते और चेन्नई में वो सभा में भाषण कर रहे हैं, तो अनवयस्क से मंच से उतरते हैं, और भारत आने पर उन्होंने जो काठियावाड़ी पगड़ी और ढेर सारे वस्त्र पहन रखे थे वो सब उतार देते हैं। उनके दिमाग में मंच पर बिहार की उस अर्धनग्न नारी की तस्वीर घूम रही थी जिसको वो सुबह बुलाने जाते थे और घर का दरवाजा नहीं खुलता था। गांधी का सोच था कि मैं एक अकेला आदमी 5 लोगों के कपड़े कैसे पहन सकता हूं। गांधी आजादी की लड़ाई में जेल जाते हैं, जेल में क्या देखते हैं, बटा हुआ हिंदुस्तान, आए तो सब आजादी के लिए हैं, लेकिन एक दूसरे के हाथ का खाना तो ठीक है, पानी भी नहीं पी सकते। नाई का धोबी, धोबी का तेली, तेली का तंबोली, तंबोली का अहीर, अहीर का कहार, कहार का यादव, यादव का बामन, बामन किसी का ही नहीं पी सकता है। देश पूरा बटा हुआ, देश कैसे लड़ेगा? तो ध्यान रखिए, गांधी ने यदि संविधान के अंदर इस दलित की विधानसभा लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं करवाई होती तो आज भी हिंदुस्तान दलित से दूर है। गांधी का यह सोच था और गांधी की यह ताकत थी कि उनको आरक्षण दिलवाकर गए। दोस्तों, गांधी को क्या किया है कि आजादी के बाद में सत्ता सभी नेताओं ने अंगीकार किया और गांधी कहीं ना कहीं उनमें समाये हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक बिगड़ा हुआ गांधी, एक लाचार गांधी है, फोटो भी लगाए, लाठी हाथ में, चश्मा हाथ में नहीं। गांधी ताकत था, गांधी साहस था। गांधी लॉर्ड माउंटबेटन के साथ में टेबल पर खाना खा रहा, वो दुनिया का बादशाह, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, और गांधी अपने अर्धनग्न थे, धोती के अंदर एल्यूमिनियम के डब्बे में, वो कोई पाखंड नहीं था, वो असलियत थी गांधी की। गांधी निडर था, गांधी ने अपनी असलियत के साथ खाना खाया, वो गांधी था। गांधी जिंदगी में कभी भी बिड़ला हाउस पर रुके तो उसके पहले हरिजन कॉलोनी में रुके, उनके लिए बिड़ला में हरिजन में कोई फर्क नहीं था।
गांधी ने अपनी पत्नी से पाखाना साफ करवाया। गांधी अपना पाखाना खुद साफ करते थे, जो दुनिया का सबसे कठिन काम, सबसे वाहियात काम माना गया है। गांधी की पत्नी ने साफ नहीं किया तो पाखाना साफ कराया। गांधी दोनों हाथ से लिखते थे, उससे अधिक पढ़ते थे। गांधी की आत्मकथा में गांधी ने लिखा है कि वो जब पहली बार विदेश गए तो कोई काठियावाड़ी बनिया पहली बार जा रहा था, तो उनकी जात ने उनको बंबई में मीटिंग बुलाकर जात से बाहर कर दिया गांधी कि आप नहीं जा सकते, आप वहां शराब पियेंगे, आप वहां मांसाहार करेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन गांधी ने जो विदेशी भूमि पर जाकर अपनी माँ से जो कमिटमेंट किया था, उन सब चीजों का पालन किया। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो देश का माहौल है और आज जो देश की परिस्थितियां है, उसमें याद रखिए कि गांधीवाद कमजोर है, गांधी कमजोर दिख रहा है। लेकिन जब जब भी आपको देश का बदहाल मजदूर किसान ये आंदोलन चल रहा है इतना बड़ा 8-10 महीनों से, शाहीनबाग, ये जो भी एक बेजुबान आदमी, गरीब आदमी अपनी तकलीफ के लिए आवाज उठा रहा है, टीवी नहीं दिखा रहा, लेकिन याद रखिए आजादी की लड़ाई में भी 1942 में सर्वाधिक आदमी 50,000 से 1,00,000 जेल गया था, 36 करोड़ का देश था, पूरा देश कभी भी खड़ा नहीं हुआ। तो आज तो देश ने बहुत प्रगति की है, आज जगह जगह से आवाज आ रही है अपने हक के लिए, अपनी आवाजों के लिए। गांधी से जो मिला निपट गया। गांधी आग था, सत्याग्रह की भट्टी में तपके निकला होगा, बारस था, उसकी लहर भी पास से निकल गई, छू भी गया तो वो सोना बन गया। पंडित मोतीलाल नेहरू, आनंद भवन, रईसों के साथ में, कलेक्टर के साथ में उनके साथ पार्टियां होती थी, गांधी से मिले वो, उनकी बेटी विजय लक्ष्मी, उनका बेटा जवाहरलाल, सब जेल और बार बार जेल। तो ये गांधी था। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, हिदायत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिलसिला यानी कि दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा दिन चुना आज। जश्न है मोहब्बत, तो गांधी का मतलब मोहब्बत है। आज देश को मोहब्बत की जरूरत है। एक और मोहब्बत है, दूसरी और नफरत है। नफरत टेम्पररी है, मोहब्बत परमानेंट है। व्यक्ति मरता है, विचार कभी नहीं करता। दुनिया में जिस दिन नफरत भारी हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो घबराइए मत, जो आदमी नफरत की बात करता है, टेस्ट करिएगा। सुबह एक जात को गाली बकता है कि ये मुसलमान कैसे कहते हैं, दोपहर में दलित को गाली बकता है, शाम को और 6 गाली बक के सो जाता है, उसका कोई विचार नहीं होता है। जिसका विचार है वो सिर्फ प्रेम करता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। गांधी को आप कोई कुर्ते पजामे से भी तय मत करिएगा खादी के। गांधी ने क्या किया था कि अंग्रेजों को, गांधी को हर चीज गांधी ने डेवलप की। गांधी ने देखा कि अंग्रेज मैनचेस्टर से कपड़ा बनाकर भेजे, तो उन्होंने कहा मेरे देश का बुनकर क्या करेगा, मेरे देश का गरीब आदमी क्या करेगा। तो गांधी ने चरखा डेवलप कर दिया। गांधी की इकोनॉमी मजबूत थी, तो गांधी ने चरखे को आजादी की लड़ाई का अस्त्र बना दिया। गांधी के वारिस, गांधी के शिष्य डॉक्टर लोहिया ने ये कहा है कि 19वीं सदी ने दुनिया को दो लोग दिए, एक आइंस्टीन और दूसरा गांधी, एक अनुपम, एक सत्याग्रह और अहिंसा, एक विध्वंस और एक बचाने का तरीका। दोस्तों, गांधी सर्वकालीन है, प्रासंगिक है, गांधी ताकत है इस देश की। मैं जो आपको जिनसे मैं दिख रहा हूं यहां पर खड़ा हूं, टी शर्ट में हमेशा कुर्ते पजामे में आता हूं, मेरी पीर वेशभूषा जो है वो खादी का कुर्ता पजामा नहीं है। कोर्ट में वकालत करने के लिए गया 2 साल, खादी के कोट पेंट में मैं था और एक वकील और थे, दो ही थे, 2,000 वकील हो। एक दिन एक ने बोला कि यार ये तो चट्टी वाला गांधी है। मैंने कहा यार चट्टी वाला गांधी है, मेरे घर में तो कभी खादी रही नहीं थी, मैं चट्टी बनिया तो सूती पहन रहा था। तो गांधी अंतहीन सिलसिला है, दुनिया में कोई किसी की नकल नहीं होता है। गांधी की जरूरत थी, है, एक आजादी के लिए नहीं, न मालूम कितनी आजादी के लिए। गांधी ने बोला कि समता सब जगह, लेकिन प्रेस और फोटोग्राफर में नहीं।
लेकिन जबरदस्त समता आ गई है दोस्तों, आपकी बात ही नहीं आ पा रही, ये खतरनाक लक्षण है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, ये देश का लोकतंत्र बचा रहे। लोकतंत्र गलत हाथों में, लेकिन जनता ताकतवर रहेगी, तंत्र मजबूत रहेगा। आप बस अंत में मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि किसी दल के चक्कर में मत फंसो यार। आजादी के बाद में क्या था, सबसे शुरुआत के अंदर कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं। आज रिवर्स गियर लग गए, पहले मैं, फिर पार्टी और फिर देश। तो राजनीति प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में बदल गई है। आप काहे के लिए झगड़ा कर रहे हो आपस में यार, जिनकी दुकान है वो करा करेंगे झगड़ा यार। आप तो उनको देखते रहिए, जनता का काम है तंत्र को ठीक करना। उसी से गांधी जिंदा है, गांधी जिंदा रहेंगे, गांधी अमर रहे। शुक्रिया दोस्तों।